वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। आज हम बात करेंगे एलटी के बारे में। ये एलटी क्या होता है? एलटी एक आपका सैलरी का पार्ट है सीटीसी का। ओके, ये एलटी इसलिए हम जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय को बेनिफिट के लिए देता है ताकि आपका इनकम टैक्स में कुछ बेनिफिट मिल सके, क्योंकि ये आपका रिम्बर्समेंट की शेप में आपको मिलता है। ठीक है, बाकी जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है एलटी लीव ट्रेवलिंग अलाउंस होता है। ओके, लीव प्लस ट्रैवल प्लस अलाउंस, यानी कि आप लीव लेके छुट्टी लेके आप ट्रैवल करेंगे और उसका आपको कंपनी अलाउंस देगी, यानी कि रिम्बर्स करेगी। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है इनकी एलटीए की। अब जो लीव ट्रैवलिंग अलाउंस है इसके अंदर कुछ सर्टेन रूल्स हैं। ठीक है, अब वो रूल्स क्या हैं और कितना ही आप एलटीए कंज्यूम कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि आप 50,000, 1,00,000, 2,00,000, जितना भी चाहे आप बिल सबमिट करेंगे आप कंपनी को और कंपनी आपको उसका बेनिफिट देगी। हर कंपनी के अपने रूल्स हैं। ठीक है, और आपको आप उतने ही आप एलिजिबल हैं एलटी के लिए। ओके, और ये आपका जो एलटी है वो इनकम टैक्स का जो सेक्शन है 10(5) के अंडर आता है। ठीक है, अब जो एलटी का बेनिफिट आप कौन कौन उठा सकते हैं? अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप प्लस आपकी फैमिली में मतलब आपके आगे आपका आपकी स्पाउस प्लस अप टू टू चिल्ड्रन, मैक्सिमम टू चिल्ड्रन अलाउ हैं। अगर थ्री चिल्ड्रन हैं तो आपको सिर्फ टू चिल्ड्रन का बेनिफिट ही मिलेगा, यानी कि एक्सपेंस आपको रिम्बर्स होंगे। प्लस आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं या फिर डिपेंडेंट ब्रदर्स और सिस्टर हैं तो यही आप एलटी में क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और रूल्स भी आपको मैं बताता हूँ, रूल्स या एग्जम्पशंस कह सकते हैं एलटी की क्या होती है। अगर आप ट्रैवल जो है विद इन इंडिया अगर ट्रैवल करेंगे तभी आपको एलटी का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अब्रॉड में अगर कहीं भी आप ट्रैवल करते हैं तो उसमें आपको एलटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, अब एलटी कितना मिलता है मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका एलटी आपकी सीटीसी के अंदर जो लिमिट है वो 40,000 की लिमिट है जो एम्प्लॉयर ने डिसाइड की हुई है। ठीक है, और जो पर आपकी एक्चुअल जो कॉस्ट है वो 30,000 आई। ठीक है, तो आपको जो मिलेगा 30,000 तक का ही बेनिफिट मिलेगा, 40,000 का नहीं मिलेगा। ठीक है, अब दूसरे एग्जांपल में जाते हैं। आपकी सेम अगर सीटीसी जो आप सीटीसी के अंदर आपकी जो एलटीए की लिमिट है वो 40,000 है पर आपकी जो एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट आई थी वो 50,000 आती है, तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा 40,000 ही मिलेगा, बाकी जो 10,000 है वो आपकी टैक्सेबल सैलरी में ऐड होगा। ठीक है, अब ये आपको क्लियर होगा कि एलटीए विद इन इंडिया मिलेगा प्लस विद इन लिमिट मिलेगा जो कि एम्प्लॉयर ने डिसाइड की होगी लिमिट। ठीक है, दूसरी बात अब कहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या और एग्जम्पशंस हैं। ठीक है, आप एलटीए एवरी ईयर क्लेम नहीं कर सकते, आप 4 ईयर के ब्लॉक के अंदर आप 2 बार आप क्लेम कर सकते हैं एलटीए को। ठीक है, यानी कि 4 साल में 2 बार। अब ये ब्लॉक पीरियड कौन से होते हैं और कब तक होते हैं? जो ब्लॉक पीरियड है वो 1 जनवरी टू दिसंबर होता है। कैलेंडर जैसे कैलेंडर पीरियड होता है ना जैन टू दिस, वैसे ही ब्लॉक पीरियड होता है जैन टू दिस। अब जो ब्लॉक पीरियड है अभी जो चल रहा है ब्लॉक पीरियड वो चल रहा है 1 जनवरी 2018 टू 31 दिसंबर 2021, यानी कि 18 से लेके 20 तक आप 2 जर्नी का एलटीए क्लेम कर सकते हैं, यानी कि रिम्बर्स मिलेगा, आपको रिम्बर्स मिलेगा जो कि बिल्कुल टैक्सेबल नहीं है, टैक्स फ्री है। ओके, ये आपके बेनिफिट के लिए ही है एलटीए, पर ये आपकी सीटीसी में होना चाहिए तभी आपको एलटीए की एग्जम्पशन मिलेगी। ठीक है, जो ये एलटीए है ये कब स्टार्ट हुआ था ये आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ, ये 1986 में स्टार्ट हुआ था। ओके, अब एलटीए के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं। पहला रूल्स है जर्नी बाय एयर, यदि आप एयर से जर्नी कर रहे हैं तो आपकी इकॉनमी जो फेयर है और सबसे शॉर्टेस्ट रूट जो है उतना ही आपको एलटीए का क्लेम मिलेगा। जैसे आप दिल्ली टू बॉम्बे जा रहे हैं तो आपका इकोनॉमिक फेयर जो भी आपका फेयर है तो आपको डायरेक्ट दिल्ली टू बॉम्बे फ्लाइट का ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप पहले दिल्ली से जयपुर गए, जयपुर से फिर मुंबई गए तो आपको उसका फेयर मिलेगा। आपको दिल्ली से बॉम्बे जो बेसिक फेयर है, बेसिक मतलब बल्क इंक्लूडिंग फ्यूल वगैरह भी, जो आपका इकोनॉमिक फेयर है वही आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप ट्रेन से आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको 1st क्लास AC तक का फेयर मिलेगा और वो भी सेम शॉर्टेज
मतलब जो सबसे छोटा रूट है, डायरेक्ट रूट है, उतना ही आपको फेयर मिलेगा। वाया होके अगर कहीं जाएंगे तो आपको उसका बेनिफिट कंप्लीट नहीं मिलेगा, सिर्फ उतना ही मिलेगा जो कि आपका डायरेक्ट का डायरेक्ट की कॉस्ट आती है फर्स्ट क्लास एसी की, अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं। अगर आप बस से जा रहे हैं तो रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट जरूर होनी चाहिए, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर कई बार कई ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपकी रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं अवेलेबल है, तो एलटी की जो कैलकुलेशन होती है वो होती है फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन फेयर के हिसाब से। ओके, तो ये आपके बेसिक चीज़ें थी जो कि आपकी एलटी की कैलकुलेशन में आती है। अगर आप होटल में रह रहे हैं, खाना या पीना कर रहे हैं, तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। एलटी के अंदर सिर्फ फेयर का बेनिफिट मिलता है, थ्रू एयर, थ्रू रेल और थ्रू बस ओनली। ओके, और ये आपको मैंने हमने बताया था ब्लॉक ईयर में, यानी कि 4 साल में 2 बार मिल सकता है। ठीक है, इसके अंदर पीएफ और ईएसआई भी अप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ये रिम्बर्समेंट है, रिम्बर्समेंट की शेप में जाता है, इसलिए पीएफ ईएसआई भी एप्लीकेबल नहीं होता। पर इसके लिए आपको ट्रैवल करना जरूरी होता है, अगर आप ट्रैवल नहीं करेंगे तो आपकी टैक्सेबल सैलरी में काउंट होगा। ठीक है, तो आपको एलटी नहीं मिलेगा उसका। ठीक है, अब जैसे कोरोना का टाइम है, तो अभी जैसे टाइम इसका पीरियड कंप्लीट होने वाला है 31 दिसंबर 2021, और आप अगर नहीं कर पाए तो आप नेक्स्ट ब्लॉक ईयर में भी जो एक रह गया आपका, आप उसका एलटी क्लेम कर सकते हो। पर वो बस इसके अंदर सिर्फ एक ही शर्त है, आपको नेक्स्ट ईयर के अंदर जिसका जो नेक्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट ईयर है उसी में क्लेम करना पड़ेगा, यानी कि 2020 के अंदर ही, यानी कि आपको नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर, यानी कि नेक्स्ट 4 ईयर के अंदर आप 3 बार तो क्लेम कर सकते हैं। पर जो पहले जो फर्स्ट वाला क्लेम है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का रह गया है, वो सिर्फ आप 2022 में क्लेम करेंगे, उसके बाद आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए कई बार कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि आप एलटी क्लेम करने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, कि टिकट्स बनाते हैं और उसके बाद उसको कैंसिल कर देते हैं और उस टिकट का क्लेम सबमिट कर देते हैं एलटी शेप में, तो ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। तो क्योंकि कई बार आप अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको वेरीफाई करेगा आपके क्लेम्स को, तो आपको इसकी सज़ा भी हो सकती है, तो इस चीज़ों से आप बचिए। ठीक है, अगर फिर भी आपको एलटीए में कहीं कोई दिक्कत आ रही है या आपको कुछ समझ में नहीं आया कि इसमें ये कैसे होगा और मैं कितना क्लेम कर सकता हूँ, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। वैसे सिंपल डॉक्यूमेंट तो कुछ भी नहीं है, आपको बिल सबमिट करने हैं, बिल प्रोड्यूस करने होते हैं, बिल प्रोड्यूस करने के बाद आप अपना एलटीए क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, पर ये आपके सीटीसी में एलटीए होना चाहिए, ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच का रिश्ता है। ठीक है, और मेरे वीडियो को अगर आप पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और भी ला सकूँ। ठीक है, और एक और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने लीव नहीं ली, तो कई बार जो एम्प्लॉयर है वो आपको डिनाई कर सकता है कि विदाउट लीव, जैसे आपकी 2 छुट्टियां आ गई और आपने वहाँ पे ट्रैवल कर लिया, उसके क्लेम मांग रहे, तो कई बार एम्प्लॉयर डिनाई कर देता है। तो आपको लीव लेनी ज़रूरी होती है, लीव लेके आप ट्रैवल करेंगे और उसका रिम्बर्समेंट क्लेम करेंगे, तो आपको एम्प्लॉयर आपको उसका रिम्बर्समेंट करेगा और वो टैक्स फ्री होगा। ठीक है, और मेरी वीडियो को दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और भी ला सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।